डेयर स्टूडेंट वेलकम टू आवर चैनल साइंस स्किल आपका इस साइंस स्किल चैनल पे बहुत बहुत वेलकम है बहुत बहुत स्वागत है चलिए तो हम लोग आज फिर से एक क्लास को स्टार्ट करते हैं जो नाइन्थ क्लास के मैथ्स की क्लास है नाइन्थ क्लास के मैथ्स की क्लास आपको जैसा कि पता है हम लोग नाइन्थ क्लास में सी वालों के लिए एन के बुक से हम लोग सॉल्यूशन कर रहे थे हम लोग अपने क्लास को अपने स्टैंडर्ड को धीरे धीरे कंप्लीट कर रहे थे ठीक है तो अब हम लोग नाइन्थ क्लास में जो मैथ पढ़ रहे थे वो एक्सरसाइज़ 1.4 का आज हम लोग सॉल्यूशन देने वाले हैं जैसा कि पता है आपको कि एक्सरसाइज 1.3 तक के हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं तो आज आइए हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज वन का कम्प्लीट करते हैं तो चलिए आपको क्वेश्चन दिखाते हैं क्वेश्चन पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि थ्री पॉइंट सिक्स सेवन सेवन सिक्स फाइव को नंबर लाइन पे दिखाइए तो आपको जैसा कि पता है थ्री पॉइंट है यहाँ पे अच्छा से नजर नहीं आ रहा होगा अच्छा से लिख दिए थ्री पॉइंट सेवन सिक्स फाइव तो हम क्या बोले कि आप एक नंबर लाइन डालिए हालांकि आप अगर चाहेंगे स्टूडेंट तो आप बिल्कुल बनेगा लेकिन आप लोग बना नहीं पा रहे हैं इसलिए हमको हर एक क्वेश्चन को बताना पड़ रहा तो है ठीक है तो थ्री पॉइंट सेवन सिक्स फाइव है तो यहाँ और यहाँ यहाँ जीरो से स्टार्ट कीजिए लगभग जीरो वन अपने अपने बराबर बराबर डिस्टेंस है थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ठीक है अब यहाँ पे क्या बोल रहा है थ्री पॉइंट सेवन सिक्स फाइव है तो आप जरा अच्छा से देखिए कि ये जो थ्री पॉइंट सेवन सिक्स फाइव है ये कहाँ कहाँ के बीच में आएगा चूंकि थ्री पॉइंट सेवन है तो पॉइंट के पहले यहां से स्टार्ट करते हैं तो ये किसको हम लोग लेंस जो रखेंगे वो किसके किसके बीच रखेंगे तो थ्री एंड फोर के बीच रखेंगे तो इसके इसके बीच में एक लेंस रखेंगे ठीक है और लेंस को जरा अच्छा से बनाइएगा ये लेंस हो गया ठीक है अब लेंस को थ्री एंड फोर के बीच में रखेंगे फिर हम लोग इसको यहां रखेंगे क्योंकि ये ये क्या बता रहा है ये बता रहा है कि मतलब हम लोग जूम कर लिए और जैसे ही जूम करेंगे तो क्या निकलेगा ये इसको जूम करेंगे हम लोग आप अच्छा से देखिए तो जैसे ही इसको जूम करेंगे तो थ्री अब हमें लार्ज दिखने लगेगा और फोर भी हमें लार्ज दिखने लगेगा ठीक है और इसको इसके बीचों बीच का अगर बात करें तो थ्री पॉइंट फाइव होगा ठीक है हमें दिखाना कितना है थ्री पॉइंट सेवन तो जरा इसके बीच वाला का भी अगर जगह है तो आप लिख लीजिए थ्री पॉइंट वन थ्री पॉइंट टू थ्री पॉइंट थ्री थ्री पॉइंट फोर और यहाँ के बाद से थ्री पॉइंट सिक्स यहाँ से थ्री पॉइंट सेवन यहाँ से लिख लेंगे थ्री पॉइंट एट यहाँ से थ्री पॉइंट नाइन ठीक है इतना चीज़ों को लिखने के बाद अभी देखिए तो हमको 3.7 चाहिए ना तो 3.7 पॉइंट कहाँ है देखेंगे कि 3.7 पॉइंट यहाँ है तो जब 3.7 पॉइंट यहाँ है तो इसके अगला वाला नंबर को हम लोग लेंस में डालेंगे ठीक है ये देखिए गोला रहेगा तो आपके लिए और अच्छा है तो यहाँ से हम लोग गोला में डाल दिए तो अब इसको पकड़ने वाला लेंस को हम लोग बना दिए तो यहाँ पर पकड़ने वाला लेंस हो गया ये ठीक है इसको पकड़ेंगे एक तरीका का लेंस है अब इसको अच्छा लगने के लिए एक और यहां पे दे दिए हाँ ठीक है अब जब हम 3.7 और 3.8 को अगर लार्ज करके देखेंगे डियर स्टूडेंट्स तो हम लोगों को बनेगा ऐसे जब यहां पे हम लोग लार्ज करके देखेंगे तो कुछ इस तरीके का बनेगा यहां बनेगा 3.7 क्यों क्योंकि इसको अब हम लोग लार्ज करके देख रहे हैं जूम करके देख रहे हैं ये जो लेंस है ना नहीं होता है स्ट्रॉम बॉक्स में ऐसा लेंस देता है देखने के लिए तो उसको जब आप लगाइएगा तो लार्ज दिखेगा है ना तो वही यहाँ पे रख रहे हैं तो 3.7 और 3.8 अब हमें क्या दिखने लगेगा लार्ज दिखने लगेगा अब उसके बीच में क्या दिखेगा तो 3.75 ऐसा कुछ रहेगा बीच में क्योंकि 3.7 है तो 3.71 3.72 ऐसा स्टार्ट होगा और बीच में यह दिखेगा अब यहाँ पे क्या क्या होगा तो जरा इसको लिख लेते हैं 3.71 यहाँ हो जाएगा थ्री पॉइंट सेवन टू थ्री पॉइंट सेवन थ्री थ्री पॉइंट सेवन फोर यहाँ क्या होगा थ्री पॉइंट सेवन सिक्स थ्री पॉइंट सेवन सेवन थ्री पॉइंट सेवन एट यहाँ होगा थ्री पॉइंट सेवन नाइन फिर ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा थ्री पॉइंट एट अब देखिए तो अब हमें थ्री पॉइंट सेवन के बाद थ्री पॉइंट सेवन सिक्स चाहिए जैसे जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे ही आपको ध्यान देना है थ्री पॉइंट सेवन सिक्स चाहिए तो थ्री पॉइंट सेवन सिक्स कहाँ है तो थ्री पॉइंट सेवन सिक्स यहां है अब जब थ्री पॉइंट सेवन सिक्स यहां है तो इसके अगले वाला नंबर पर लेंस चढ़ाएंगे ये लेंस चढ़ा दिए अब इसको पकड़ने के लिए एक हैंडल बना लिए ठीक है अब जब इसको हम लोग जूम करके देखेंगे तो कैसा नजर आएगा उसको देख लेंगे पहले इसके यहां पे हर कदम कदम पे आपको जूम करना है यहां पे अब हमको यहां पे जूम करके देखेंगे तो यहां वाला क्या दिखेगा थ्री पॉइंट सेवन सिक्स यहां पे क्या दिखेगा थ्री पॉइंट सेवन सेवन उसके बाद वाला अब करना क्या है कि इसके बीच में अब हम लोगों को क्या दिखाना है थ्री पॉइंट सेवन सिक्स फाइव दिखाना है तो यहां थ्री पॉइंट सेवन सिक्स है तो एकदम पक्का बात है कि यहां होगा थ्री पॉइंट थ्री पॉइंट सेवन सिक्स वन होगा यहाँ होगा थ्री पॉइंट सेवन सिक्स टू ऐसा करते करते आपको पता है ना कि बीच में कितना होगा बीच में होगा थ्री पॉइंट सेवन सिक्स फाइव और हमको इसी को दिखाना ही था तो जिसको दिखाना रहता है उसको हम लोग एरो दे देते हैं और यही हो जाता है हम लोगों का आंसर तो आप देख पा रहे होंगे वन पॉइंट फोर जो क्वेश्चन है वो यही बोल रहा था कि आप जो है थ्री पॉइंट सेवन सिक्स फाइव को क्या कीजिए नंबर लाइन पे दिखाइए तो अगर कोई भी पॉइंट वाला क्वेश्चन रहता है तो हम लोग इसी तरीके से इसको नंबर लाइन पे दिखाते हैं आपको सबसे पहले पहला वाला नंबर देखना होगा थ्री पॉइंट है तो थ्री तीन और चार के बीच एक को लेंस रखेंगे अब इसको जब जूम करेंगे तो तीन बड़ा दिखेगा चार बड़ा दिखे दिखेगा अब इसके बीच का पॉइंट आपको दिखेगा कौन कौन सा तो थ्री पॉइंट वन थ्री पॉइंट टू थ्री पॉइंट थ्री ऐसे करके आपको दिखेगा अब जब आप यहाँ पे लेंस रखिएगा तो फिर जो बड़ा होकर दिखेगा उसको रखना है उसके बीच का अब लिखना है 3.71, 3.72 मतलब कि वन टू से स्टार्ट होकर 9 तक लिखेंगे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे फिर इसके बीच का लेंस रखेंगे तो फिर हमें जूम करके दिखाएगा और जो जूम करके दिखाता है फिर हम लोग यहाँ वन टू से थ्री से स्टार्ट करते हैं मेरा मतलब ये है कि अगर और भी यहाँ पर रहता तो हम लोग और भी यहाँ पर लेंस लगाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं समझ पा रहे हैं आप तो कुल मिलाकर यह देखा जा रहा है कि कोई भी अगर रियल नंबर रहेगा तो हम उसको नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं चलिए तो एक्सरसाइज 1.4 में आपको दो ही क्वेश्चन दिया हुआ है मात्र दो क्वेश्चन है एक क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस किए चलिए एक और क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं कि उसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे चलिए तो ये जो पहला का दूस, दूसरा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.4 का कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है क्या क्वेश्चन बोल रहे हैं 4.26 का रेकरिंग ठीक है कहाँ तक बोल रहे एक और इसमें चीज़ जुड़ा हुआ है अप टू फोर डिजिट अब इसका मतलब क्या है डियर स्टूडेंट्स आप इन चीज़ों का बह, बहुत अच्छा से पहले समझिए क्योंकि सवाल इतना नहीं बोल रहा है अप टू फोर डिजिट बोल रहा है इसका बहुत बड़ा वैल्यू है तब जाके हमें नंबर लाइन पे शो करना है तो आप अच्छे से समझेंगे कि ये फोर पॉइंट टू सिक्स का जो रेकरिंग या बार दिया है इसका कहने का क्या मतलब है तो इसका कहने का मतलब है कि टू सिक्स टू सिक्स टू सिक्स टू सिक्स ये बातें जो है बार 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 रिपीट हो रहा है ये रिपीट हो रहा है अब ये रिपीट, हो अब ये रिपीट होते तो चल गया ठीक है अब इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट के डेसिमल के चार डिजिट तक ही लेना है यानी कि डेसिमल के बाद एक दो तीन चार यानी कि यहाँ तक के ही हम लोग लेंगे फोर पॉइंट टू सिक्स टू सिक्स ही लेंगे ठीक है यानी कि फोर पॉइंट टू सिक्स का रेकरिंग का मतलब हुआ कि बहुत बार ये आता जाएगा लेकिन सवाल में बोल दिया कि फोर डिजिट तक यानी कि हमको इतना ही जो है नंबर लाइन पर दिखाना है ये तो समझ गए अब जब इतना नंबर लाइन पे दिखाना है तो सबसे पहले तो आपको एक नंबर लाइन खींचना होगा जैसा कि देख पा रहे होंगे यहां पे आपको जीरो से स्टार्ट करना होता है जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन और जहाँ तक हो सकता है कोई ज़रूरी नहीं है लेकिन हम लोगों को सबसे पहला नंबर क्या कितना चाहिए हमें फोर चाहिए तो फोर कहाँ मिलेगा तो चार यहाँ है देखिए पॉइंट सबसे पहला स्टार्ट इस नंबर से करना है यहाँ क्या है चार तो चार पे हम लोग पेन रखेंगे और उसके बाद वाला नंबर पाँच है तो आपको ऐसा लेंस गोला बनाना है कि वो चार पाँच क्या आ जाए अंदर में आ जाए ठीक है हम ये गोला बना लिए अब इसको जो है एक लेंस बनाना है इसको तो लेंस का ये हैंडल बना दिए ठीक है आप जितना अच्छा से स्केच कर सकते हैं क्योंकि ये फिगर वाला ही हमें एक्सरसाइज है तो अब चार और पाँच को अगर आप बना लिए तो चार को लेकर यहाँ पे तीर बनाइए और पाँच को लेकर यहाँ पे तीर बनाइए क्यों इसका मतलब ये हुआ कि चार और पाँच के बीच में जो ये लाइन आएगा वो ऐसे आएगा यानी कि चार और पाँच लार्ज में दिखेगा ऐसे चार दिखेगा और ऐसे पांच दिखेगा यहां पे लास्ट छोर पे और जो बीच में दिखेगा वो कितना दिखेगा तो चार पॉइंट पाँच दिखेगा अब यहाँ अपने से लिख लीजिए बराबर बराबर डिस्टेंस ये चार पॉइंट एक ये चार पॉइंट दो ये चार पॉइंट तीन ये चार पॉइंट चार अब यहां लिख दीजिए चार पॉइंट यहां लिख दीजिए चार पॉइंट सात चार पॉइंट आठ चार पॉइंट नौ यहाँ तक तो हो गया अब देखिए अब हम लोग अगले डिजिट पे जाते हैं चार पॉइंट टू दिखाना है तो चार पॉइंट टू कहाँ है उसको पकड़िए तो चार पॉइंट टू यहाँ है तो यहाँ पे पेन रखिए अब उसके बाद वाला चार पॉइंट तीन है तो उसके बाद वाला जो रहेगा उसको घेरते हुए एक गोला बनाना है ठीक है एक गोला बना दिए अब इसको पकड़ने के लिए एक लेंस बना दीजिए इसको पकड़ने के लिए एक लेंस बना दिए ठीक है अब जब हम इसको अगर जूम करेंगे तो कैसे बनेगा ऐसे और इसको चूँकि ऐसे जूम करेंगे तो यहाँ बनेगा और इसको दोनों को ऐसे लाइन पारेंगे यानी कि जूम करेंगे तो अब ये कैसा दिखेगा चार पॉइंट टू और इसको जूम करेंगे तो क्या दिखेगा चार पॉइंट तीन अब आप देखते चलिए ये चार पॉइंट दो हो गया ये चार पॉइंट तीन हो गया अब इसके बीच का नंबर क्या होगा तो चार पॉइंट दो है ये चार पॉइंट तीन है तो यहाँ पक्का होगा चार पॉइंट दो पाँच ठीक है अब यहाँ पे क्या होगा तो आप लिख लीजिए चार पॉइंट दो एक चार पॉइंट दो दू, दू, दू चार्वाइंट दो तीन चार पॉइंट दो चार यहां कितना होगा चार पॉइंट दो छ चार पॉइंट दो सात चार पॉइंट दो आठ चार पॉइंट दो नौ इतना होगा ठीक है जब इतना हो जाएगा तो आप ये समझिए कि अब हम लोगों को चार पॉइंट टू के आगे क्या दिखाना है चार पॉइंट टू सिक्स दिखाना है ठीक है तो चार पॉइंट टू सिक्स कहाँ है यहाँ है अब जब यहाँ चार पॉइंट टू सिक्स है तो इसके बाद वाला नंबर क्या है चार पॉइंट टू सेवन तो इसको क्या करना है इसको घेरना है इसको घेर दिए अब इसको जब घेर दिए तो यहाँ से एक आप लेंस का पकड़ने वाला बना दीजिए तो यहाँ पे हम क्यों घेरे क्योंकि 4.26 चाहिए आगे अगले नंबर तक देखते जाएंगे तो 4.26 पॉइंट यहाँ था अब इसको जब हम लोग आगे बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से हम लोगों को फिगर नज़र आएगा तो फिर से एक उसके नीचे एरो खींचेंगे लाइन खींचेंगे तो ये हो जाएगा आपका कौन सा ये हो जाएगा चार और ये हो जाएगा चार पॉइंट टू सेवन और इसके अगर बीच का बात करें तो कितना होगा डियर स्टूडेंट्स फोर पॉइंट टू सिक्स फाइव यही होगा अच्छा अब ज़रा बीच में आप लिख लीजिए तो बीच में कितना होगा चार पॉइंट टू सिक्स वन यहाँ होगा फोर पॉइंट टू सिक्स टू यहाँ हो जाएगा फोर पॉइंट टू सिक्स थ्री यहाँ हो जाएगा फोर पॉइंट टू सिक्स फोर यहाँ कितना होगा तो फोर पॉइंट टू सिक्स सिक्स होगा क्योंकि ये पाँच है ना तो छः होगा फिर कितना होगा तो फोर पॉइंट टू सिक्स सेवन फिर कितना होगा तो फोर पॉइंट टू सिक्स एट होगा फिर कितना होगा तो फोर पॉइंट टू सिक्स नाइन ये हो गया देख पा रहे होंगे फिर हमें सवाल क्या बोल रहे है? फोर पॉइंट टू सिक्स तक के हो गया अब हम लोगों को फिर से टू चाहिए फोर पॉइंट टू सिक्स टू तो अब देखिए फोर पॉइंट टू सिक्स टू कहाँ है तो फोर पॉइंट टू सिक्स टू यहाँ है अब इसके बाद वाला नंबर और इसको दोनों को लेकर एक गोला में करेंगे ठीक है अब ये गोला में करेंगे तो इसको पकड़ने के लिए एक लेंस चाहिए तो एक लेंस बना दीजिए यहां पे, ठीक है अब इसको जब जूम करके दिखेंगे तो कैसा नजर आएगा और इसको जो जब जूम करके दिखेंगे तब कैसा दिखेगा तो अब हम लोगों का एक यहां पे, तो जब इसको जूम करके दिखेंगे तो लिखेगा यहां पे फोर टू सिक्स टू और यहाँ पे बनेगा फोर पॉइंट टू सिक्स थ्री यही जूम करके मिलेगा और इसके बीच वाला अगर बात करें तो बीच वाला कितना होगा तो फोर पॉइंट टू सिक्स टू फाइव मिलेगा मिलेगा ना क्योंकि टू सिक्स टू तो पहले से ही है यहाँ टू सिक्स थ्री है तो टू सिक्स टू फिर फाइव ऐड करेंगे बीच में पाँच होता है अब चलिए तो यहाँ पे हम लोग कितना लिखेंगे तो फोर पॉइंट टू सिक्स टू वन यहाँ लिखेंगे फोर पॉइंट टू सिक्स टू टू फोर पॉइंट टू सिक्स टू थ्री फोर पॉइंट टू सिक्स टू फोर और यहाँ लिख देंगे क्या फोर पॉइंट टू सिक्स टू सिक्स यहाँ लिखेंगे फोर पॉइंट टू सिक्स टू सेवन फोर पॉइंट टू सिक्स टू एट फोर पॉइंट टू सिक्स टू नाइन ठीक है इस तरीके से हम लोग लिख देंगे और यहाँ पे आप पाएंगे कि फोर पॉइंट हमको कितना दिखाना था सवाल में 4.2626 दिखाना था अब आप इसमें से ढूंढ लीजिए कि 4.2626 पॉइंट टू कहाँ है तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 4.2626 है तो अब इसी को हम लोग गहरा लाइन से दिखा देंगे और एक ठो एरो दिखा देंगे कि यही है हम लोगों का 4.2626। तो इस तरीके से हम लोग आप देख पा रहे होंगे कि इसका हम लोग आंसर करेंगे और ऐसे ही आपको अपने कॉपी में भी आपको अच्छा से लेकिन हमसे ये जो गोल अच्छा से नहीं बन पाया हैंडल अच्छा से बना लीजिएगा ले लेंस को तो इसी तरीके से हम लोग का 1.4 का क्वेश्चन था तो आपको क्या करना है एक्सरसाइज 1.4 का जो क्वेश्चन था दोनों उसको अच्छे तरीके से अपने नोटबुक में या फिर अपने कॉपी में बनाना है ठीक है लेंस वगैरह क्योंकि इसमें फिगर से ही हम लोगों को बनाना होता तो इस तरीके से हम लोग इसको आंसर करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स आज हम लोग एक्सरसाइज 1.4 को देखें तो आज के क्लास को यहीं तक एंड करिए अगर अगले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.5 के लिए कुछ नया चीज पढ़ेंगे ताकि 1.5 में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो आज के क्लास में हम लोग 1.4 को डिस्कस किए तो आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं अगले वीडियोज में अगले क्लास में तब तक धन्यवाद